तो ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं प्लेटफॉर्म पर गिर गई और ट्रेन का जो रहता नीचे का भाग वो पूरा मेरे पैर गिर गए। डॉक्टर ने कहा कि दोनों निकालने पड़ेंगे। मुझे ऐसा पता चला जीवन आशा हॉस्पिटल में फ्री में पैर मिलते हैं, तो मैं इसमें बिठाने के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे पैर नहीं थे, तो मुझे यहाँ पर अच्छे से पैर मिले और उसका वजन नहीं है। यहाँ पर 2-3 दिन अच्छे से ट्रेनिंग हुई मेरी, तो मैंने पहले यहाँ से पहले मैंने 8 साल से जयपुर के पैर यूज किए थे। उसमें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मतलब मेरा जो असली पैर है वो पूरा नीचे आ गया है, झुल रहा है और मेरे मसल्स भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर ये पैर यूज करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, मेरे पैर दर्द करना कम हो गए और तो किसी तरह का इन्फेक्शन या खुजली वो कुछ भी नहीं होती। मुझे कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरे असली के पैर के जैसे मुझे एक पैर लग रहे हैं। जो पहले असली पैर थे उससे जब जैसे आप काम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस पैर से वैसे ही काम कर सकती हूँ। गाड़ी तो मैं चलाती हूँ लेकिन इस पैर से मैं पेट्रोल चला सकती हूँ। किसी भी तरह की मुझे डर नहीं लगता, अभी बहुत कॉन्फिडेंस से मैं इस पैर पे चलती हूँ। जीवन आशा हॉस्पिटल में इस तरह के पैसे नहीं लगते, मुझे पैर पूरी तरह से फ्री में मिले हैं। जिन लोगों ने मेरे पैर के लिए मुझे पैसे डोनेट किए उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमेशा जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ी रहूंगी और लोगों को इनके बारे में जरूर बताऊंगी।